का नेक्स्ट नाइट न्यूज में हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर हमारा आज का स्पेशल शो स्टार लाइफ, जिसमें हम बात करेंगे ब्यूटी दीवा ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। ऐश्वर्या क्या वाकई में अपने ससुर अमिताभ बच्चन को उतना रिस्पेक्ट देती है जितना लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? भाई ये सवाल है जिसका जवाब हम अपनी रिपोर्ट के जरिए आज देंगे। तो वहीं इसी के साथ बताएंगे आपको ऐश्वर्या को रिस्पेक्ट देने में किस तरह पीछे रहकर उन्हें एम्बैरेस कर चुकी हैं बॉलीवुड की स्टाइलिश दीवा, जिन्हें हमेशा से स्टाइल आइकॉन कहा गया। ऐश्वर्या से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें आज आप सभी के लिए हम पेश करेंगे अपने खास रिपोर्ट में स्टार लाइफ में, जिसमें बच्चन फैमिली के साथ ऐश्वर्या का अलग अलग बिहेवियर और अलग अलग रिएक्शन लोगों को हमेशा के लिए हैरान करता आया है, जिसमें कितनी सच्चाई है और कितना लोगों का जो सोच है वो बाहर आता रहा है कि हम जानेंगे। तो देखिए खास रिपोर्ट्स। बीते काफी टाइम से अमिताभ बच्चन अपनी दीदी को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसके बाद हर कोई उनकी और उनकी बेटी के बीच स्प्रिंग बॉन्डिंग की बात करने पर मजबूर हो रहा है। और एक बार फिर से अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए हर किसी को ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि आप वाकई में वो अपनी बेटी को अब तक भूल नहीं पा रहे हैं कि वो अब पराई हो गई है। हाँ, श्वेता बच्चन की शादी हो चुकी है लेकिन नंदा की वो पत्नी बन चुकी है और उनके दो बच्चे भी हैं। और अब वो बच्चन परिवार की बेटी नहीं बल्कि नंदा परिवार की बहू कहलाने को लेकर चर्चा में रहे। ये तो हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी की पहचान उसके ससुराल के घर से हो। ऐसे में अमिताभ ये लिखते हैं, ये गर्व है मेरा, बेटी बेटियां जब उभर कर आती हैं अपने दम पर कुछ करके हमें दिखाती हैं। मोतियों से पिरोई हुई ये माला, ऐसे करना गहना अनमोल है, इसे सुरक्षित रखना। ये कहना है अमिताभ का कि बेटी के साथ अपना रिश्ता कभी मत खोना। मतलब साफ है कि अमिताभ अपनी बेटी को इस वजह से भी याद नहीं करते क्योंकि उनके घर पर एक बेटी की कमी उन्हें हमेशा खलती है, जहां उनकी बेटी जैसी एक बहू भी है। भाई सही, बहू तो है उनकी ऐश्वर्या राय बच्चन, लेकिन बहू तो बहू ही होती है। सही कहा है किसी ने, तभी तो बहू को बेटी नहीं मानते अमिताभ। या यूं कह लीजिए कि बहू ने अमिताभ बच्चन को हमेशा एक ससुर ही माना, पिता का सम्मान नहीं दिया। अब भाई वजह जो भी हो, लेकिन अमिताभ का अपनी बहू नहीं सिर्फ बेटी के लिए लिखना इशारा तो करता है यही कि बहू से पापा वाला सम्मान उन्हें हमेशा पाने की उम्मीद होती है। बॉलीवुड में जब भी ब्यूटी दीवा ऐश्वर्या की बात होती है हर कोई उनकी खूबसूरती की तारीफ करता है, लेकिन खूबसूरती के साथ अपने वेल बिहेव मैनर को लेकर भी ऐश्वर्या खूब चर्चा में रहती है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको वो बताने वाले हैं जिसके बारे में हमेशा चर्चा हुई है। बॉलीवुड में गॉसिप क्वीन बनी रही है ऐश्वर्या अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशन को साझा करने को लेकर, लेकिन ऐश्वर्या अपने ससुर अमिताभ बच्चन के रिस्पेक्ट में हमेशा अपने आप को बेहतर बहू साबित करते आए हैं। इसके बावजूद एक ऐसा मौका भी था जब अमिताभ बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या को लेकर एक बार कुछ ऐसा कह बैठे थे कि सभी हैरान रह गया था। दरअसल ऐश्वर्या अपने ससुर जी अमिताभ बच्चन को सम्मान देने में थोड़ा सा कुछ कमी रख बैठी थी। मीडिया के सामने पापा जी के साथ मजाक करती ऐश्वर्या उनके साथ बचकानी हरकतें कर कहीं ना कहीं अमिताभ को दुख पहुंचा रही थी, जिसके बाद मीडिया के सामने ही एक अवार्ड समारोह के बीच कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने बात करने के दौरान अमिताभ ने अपना आपा खोकर गुस्से में मजाक से ऐश्वर्या को कहा, डोंट बिहेव लाइक आराध्या। मतलब साफ था कि ऐश्वर्या आप मेरी बहुरानी हो और मेरी पोती आराध्या बनने की कोशिश मत करो, इतनी छोटी नहीं हो, ऐसी हरकतें तुम पर सूट नहीं करती। ये सब कहा जा रहा था अमिताभ बच्चन की तरफ से, ऐश्वर्या को ये अंदाजा लगाया गया। अब भाई अपनी बहू से अमिताभ बच्चन ऐसा क्यों कहेंगे?
तो आपको बता दें, अमिताभ बच्चन के बारे में ऐश्वर्या बार बार वहां चीख कर कह रही थी, ही इज द बेस्ट। और उनका ये बच्चों की तरह चीयर अप करना अमिताभ को पसंद ही नहीं आ रहा था। तभी तो अमिताभ बच्चन की लाडली बहू ऐश्वर्या उनके लतार का कहीं ना कहीं सामना कर बैठी वहां। खैर, आपको बता दे, अपनी बचकानी हरकतों से कई बार जाने अनजाने में मीडिया के सामने भी ऐश्वर्या इस बात को साबित करती है कि अपने पापा समान ससुर को वो रिस्पेक्ट देने से ज्यादा फ्रेंडली उनके साथ रहना पसंद करती हैं। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन आज भले ही 44 इयर्स की हो चुकी हो, लेकिन आज भी वो अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेस के सामने इतनी गॉर्जियस लगती हैं कि कोई भी उन्हें देख ये शायद ही कहे कि वो 44 साल की है। भाई 25 की लगने वाली ऐश्वर्या 40 की उम्र को पार कर चुकी है और प्यारी सी बेटी की माँ भी, लेकिन इसके बावजूद ऐश्वर्या फॉर्मर मिस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस रही है, जिन्हें पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत महिला के सम्मान में आज भी आगे रखा जाता है। तो आपको बता दें, आखिर क्यों इसके बावजूद ऐश्वर्या को बॉलीवुड की स्टाइल दीवा यानी कि सोनम कपूर ने आंटी कह दिया। वह सोनम ने ये कहा था जब एक ब्रांड के लिए सोनम की जगह ऐश्वर्या को चुना गया था और इसी के गुस्से में सोनम ने आंटी कहकर ऐश्वर्या को। खैर, ये बात अलग है कि दोनों फिर एक हो ही गए। कांस के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या इस साल कहर ढाती नजर आई और ऐश्वर्या को इंस्टाग्राम पर एंट्री के बाद सोनम कपूर की तरफ से वार्म वेलकम विश भी मिला। और फिर क्या, कैट फाइट का दी एंडिंग कुछ ऐसे हुआ कि सोनम ने रिसेप्शन पार्टी में ऐश्वर्या को बुलाकर उनके साथ खूब मस्ती। Well, जैसा कि हमने आपको बताया ही कि बॉलीवुड में ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या की बात जब जब हुई है, उन्होंने अपनी खूबसूरती से दिल सबका जीता ही नहीं बल्कि अपने बेहद ही खूबसूरत कातिलाना अंदाज से लोगों को अपना भी बनाया। तो आज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऐश्वर्या हाल ही में हुए MS क्लोथिंग स्टोर के लॉन्च के मौके पर अपनी खास और बेहद ही क्लोज फ्रेंड जैसी ननद श्वेता के सपोर्ट में उनके लिए बेहद ही खूबसूरती से एक पोस्ट को शेयर की, जिस पोस्ट में उनके साथ नजर आए अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन उनके पति के साथ उनकी तस्वीर सबको पसंद आई। उस तस्वीर में ऐश्वर्या खास तौर पर इशारा कर रही थी गर्ल्स पावर लिखे हुए उन शब्दों की तरफ जिसे टी शर्ट के तौर पर पहन चुके थे अभिषेक। जी हाँ, उस टी शर्ट के जरिए प्रमोट कर रही थी पूरी बच्चन फैमिली श्वेता के स्टोर को, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ और इस मौके पर पूरी की पूरी बच्चन फैमिली काफी खुश नजर आई। बता दें आपको, ऐश्वर्या अपनी ननद श्वेता से बहुत लगाव रखती हैं। ये बात अलग है कि मीडिया में उन्हें लेकर तमाम ऐसी अपडेट आती है जो उनके बीच की दूरियों की वजह सामने लाती है, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ ऐश्वर्या ने जो फोटो शेयर की उसे देख ऐसा लगा मानो वो अपने हस्बैंड से ही नहीं प्यार करती बल्कि लोगों को ये बताना चाहती है कि गर्ल्स पावर हमेशा से रहेगा उनके आसपास, मतलब बच्चन परिवार में भी। बच्चन बहू और सासू माँ जया बच्चन, ऐश्वर्या और जया की ही चलती है। पावर तो जया और बहू ऐश्वर्या के हाथ में ही है। भाई, अब यही वजह है कि अपनी बेटियों को अपनी बहुओं को सम्मान देने के लिए अमिताभ कई बार पीछे हो जाते हैं। तभी तो दोनों को हमेशा से काफी ज्यादा स्वीट बॉन्डिंग शेयर करते देखा गया है। चलिए, अब वक्त आ गया है आप सभी से इजाजत लेने का। आज हमने आपको स्टार लाइफ प्रोग्राम में बच्चन फैमिली और खासकर बॉलीवुड की मेगा स्टार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में खास बात बताई। हमने आपको बताया जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के सामने रेपुटेशन हमेशा उन्हें देने वाली, रेपुटेटेड फैमिली में रिस्पेक्टफुल बहू बनने वाली और रिस्पेक्टफुल पेरेंट्स को लेकर, रिस्पेक्टफुल इन लॉज फैमिली को लेकर हमेशा अपना अलग अलग बिहेवियर सामने लाने वाली ऐश्वर्या का
वो अंदाज कैसे लोगों के बीच कभी उन्हें ट्रॉल कर देता है तो कभी लोग ये जानने के लिए कई सवाल खड़े कर देते हैं, क्या वाकई में ऐश्वर्या अपने ससुर अमिताभ और अपनी सासू माँ जया के सामने उतना सम्मान नहीं देती उन्हें जितना वो उम्मीद करते हैं। अब भाई सच क्या है ये तो उन्हें ही बेहतर पता होगा, हम जानेंगे और अगली रिपोर्ट में बताएंगे आपको बच्चन फैमिली और ऐश्वर्या से जुड़ी स्वीट बॉन्डिंग को लेकर खास बातें। तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।